अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिट किचन। आज इफ्तार की एक और रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार है। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर पॉपकॉर्न। उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए पहले देख लीजिए आप। हमने पनीर का एक चंक ले लिया है 200 ग्राम का, और यही सेम रेशियो रहेगा, आपको जितना बढ़ाना रहे आप बढ़ाते जाइएगा। 1/2 टीस्पून हमने लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून येलो चिली पाउडर। अच्छा, येलो चिली पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कलर थोड़ा गोल्डन आता है इससे और इसकी हीट थोड़ी कम होती है। और हमने ले लिया है गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर बहुत बहुत थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये ना पनीर में कोई स्मेल तो होती नहीं है, बस एक फ्लेवर के लिए हमें ऐड करना है। और पाउडर जो होता है बहुत इंटेंस होता है, और अगर आप के पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा 1/4 या 1/2 टीस्पून ही लीजिएगा गार्लिक पेस्ट। और हमें ड्राई मसालों में यही हमारे पास 3 से 4 सामान है, गार्लिक पाउडर, येलो चिली पाउडर, हल्दी और चाट मसाला 1/2 टीस्पून है हमारे पास। कॉर्नफ्लोर हमने 2 टेबलस्पून ले लिया है, ब्रेड क्रम्ब जितनी जरूरत होगी ले लेंगे। और सॉसेज में हमें चाहिए रेड चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो केचप। और हम जो मैरिनेशन बनाएंगे योगर्ट में बनाएंगे, तो आपको 2 टेबलस्पून योगर्ट चाहिए होगी। तो चलिए फटाफट अपना मैरिनेशन तैयार करते हैं, तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप पनीर को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर देंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, और अगर फौरन बना देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा तब भी बनेगा, लेकिन ऑब्वियसली मैरिनेशन के बाद ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमने डाल दिया इसमें कॉर्नफ्लावर और अपने ड्राई मसाले, जो क्या कहते हैं चाट मसाला था, येलो चिली पाउडर था, हल्दी और गार्लिक पाउडर। अब हम डाल देते हैं ये योगर्ट, 2 टेबलस्पून है ये, और अब डालते हैं सॉसेज। अच्छा, सॉसेज नाप के डालिएगा, ज्यादा हो जाती है तो टेस्ट खराब कर देती है, तो हम स्पून ले लेते हैं उससे सॉसेज डालते हैं। तो 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगा, 1 टीस्पून चिली सॉस जाएगा और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप जाएगा। तो हम स्पून ले लेते हैं, ये डाल दिया हमने रेड चिली सॉस। अच्छा, रेड चिली सॉस आप बढ़ा घटा सकते हैं जैसा आपका मतलब टेस्ट बड हो, क्योंकि हमने येलो चिली पाउडर भी डाला ना, आप चाहे तो चिली पाउडर बिल्कुल स्किप करके चिली रेड चिली सॉस बढ़ा सकते हैं। ये डाल दिया हमने, और अब हम डालेंगे सोया सॉस। लग गया आपका सोया सॉस, भी ही टीस्पून डाल रहे हैं, आधा एक टीस्पून मतलब 1 से 1.5 स्पून डाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। और केचप डाल देते हैं, ये गया हमारा टोमेटो केचप। बस अब हम तीनों सब चीजों को विस्क कर लेते हैं और फिर इसमें पनीर डाल देते हैं। अब ये सारे जो मसाले हैं इनको विस्क कर लेते हैं अच्छे से। तो गैस पे देखिए हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हुआ। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने नमक अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है, चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अपना नमक मतलब थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पनीर बिल्कुल ब्लैंक होती है ना, बिल्कुल हल्का नमक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा नमक होना चाहिए। तो इस टाइम पे हम टेस्टिंग कर लेंगे, फिर पनीर इसमें डालते हैं। तो इस टाइम नमक हमने चखा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा, लेकिन थोड़ा सा नमक हम डालेंगे क्योंकि पनीर बिल्कुल ब्लैंक होती है ना, सिर्फ नॉर्मल नमक नहीं, हम उसमें पेपर सॉल्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक मिर्च जो होती है हल्की सी वो डालें। और एक साइड पे आप ऑयल हीट होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि ये फटाफट आधे घंटे में आपका पॉपकॉर्न बनके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस। तो हमने पेपर सॉल्ट डाल लिया इसमें, अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये हमारा मैरिनेशन डन हो गया, इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, पनीर की बहुत बड़ी पीसेस मत करिएगा, जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतनी अंदर से ब्लैंक हो जाएगी, तो ऐसे रैंडम पीसेस काट दीजिएगा। कोई ऐसा आपको ये नहीं कि इतना ही इवन होना चाहिए, इतना मीटर अरे इतना इंचेस का होना चाहिए, बस रफली इसको काट के आप डालते जाइएगा मैरिनेशन में। और अगर कुछ देर रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, वैसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम अपनी पनीर चॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, क्योंकि हमने इतना एक चंक पूरा पनीर का काट लिया 200 ग्राम्स का, तो थोड़ी कम लग रही है, तो हम हाफ और ले लेते हैं, यानी 300 ग्राम्स ले लेते हैं, और इसे भी कट करके इसी मैरिनेशन में डाल देते हैं, नहीं मैरिनेशन कम हो जाएगा हमारा, तो ये भी हम कट करके उसी में डाल देते हैं। सो गाइस, अब इसको अच्छे से हाथों की मदद से हम मैरिनेट कर देंगे, और जेंटली करिएगा कि पनीर हमारी टूटे नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर इसमें है ना, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और एक बार कॉर्नफ्लावर पे अच्छे से स्टिक हो जाए हमारा मसाला, फिर हम इस पर ब्रेड क्रम कोट करके फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम अगर आप ना भी लगाना चाहें ना, डायरेक्ट फ्राई करें तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी ये हो जाएगा क्रिस्पी, लेकिन पॉपकॉर्न लुक देने के लिए ब्रेड क्रम लगाने से थोड़ा और क्रस्ट आ जाता है ना, फिर और क्रिस्पी लगता है, तो बहुत मजे का लगता है पनीर पकौड़ा। गाइज, अच्छा लगता है, लेकिन जितना अच्छा पनीर पॉपकॉर्न लगता है उतना अच्छा पनीर पकौड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो अंदर से बहुत ब्लैंक से लगता है, और ये बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं लगता और क्रिस्पी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए ये फटाफट बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, देखिए ये हमारी पनीर बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब चाहे तो इसको कुछ देर आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम इस वक्त फौरन फ्राई करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैरिनेट होगी तो फ्लेवर ज्यादा आएगा, लेकिन ऐसी भी मजे की लगती है। तो आप क्या है, तो आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्रेड क्रम में घुट करके फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेड क्रम ड्राई वाला, ये हमने घर पे ही बनाया है, कुछ नहीं करना गाइस। आपके पास स्टेल ब्रेड होगी ना, उसे ओवन में डालिए, मिक्सी में चला लिए, ब्रेड क्रम तैयार आपका। तो ये हमारे पास पनीर है और ये ब्रेड क्रम, तो अब हम एक एक पनीर को लेकर हल्का हल्का ब्रेड क्रम में कोट करते हैं। बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी वो लगा हुआ है ना कॉर्नफ्लावर, ऐसे देखिए
रखते जाइए, एक साथ कर लीजिए तो फ्राई करने में कम टाइम लगेगा। ऐसे एक एक उठा के आपको कोट कर करके फ्राई करने में टाइम लगेगा, तो पहले ब्रेड क्रम लगा लेते हैं फिर आपको फ्राई करके सीधे दिखाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल, बस ऐसे ही आपको सारी कोटिंग करते जाना है। और बस जितनी रैंडम पीसेस रखिएगा ना उतनी ज्यादा दिखने में अच्छा लुक आएगा, बहुत इवन रखने की जरूरत नहीं है, एक बराबर सारे पीसेस को। अभी एक एक करके सारी कोट कर ले फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए हमारा पॉपकॉर्न जो है ब्रेड क्रम के साथ बिल्कुल तैयार है। अब इसको फ्राई करते हैं। तेल देखिए अच्छा गर्म होना चाहिए और थोड़े थोड़े पीसेस डालिएगा, और इसको अंदर से तो पकना नहीं है, खाली फर्स्ट हमको गोल्डन करना है, तो 4 से 5 मिनट में अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। और एक साथ बहुत ज्यादा मत डालिएगा, ओवर क्राउडेड होगा तो फिर ये आपकी कोटिंग सब उतर जाएगी। इसे ऐसे डाल के 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल नहीं छुएंगे और छोटे छोटे बैचेस में फ्राई कर लेंगे। इसे आप सर्व कर सकते हैं तंदूरी मेयोनीज के साथ या फिर केचप के साथ। 1 से 2 मिनट हो गया ना, इसे हल्का हल्का सा आप टच कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा छूने की जरूरत नहीं है। इसे हल्के हल्के से बस हिलाइए, थोड़ा थोड़ा सा घुमाइए, और फ्लेम स्लो मत करिएगा। अगर फ्लेम स्लो करेंगे तो सॉगी हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी, हाई फ्लेम करेंगे। सर गाइस देखिए हमारा ये पॉपकॉर्न जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर में आ गया है हमारा, तो बस हम इसे निकाल लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा कलर देने की जरूरत नहीं है, और क्रंच कितना है गाइस आपको साउंड से पता चलेगा। देखिए ये हमारा पॉपकॉर्न जो है पहला बैच फ्राई हो गया, तो हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं, ये फटाफट बनने वाला इतना मजेदार अवतार है आपकी। और आप स्पेस पे इसको फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप फैला के किसी ट्रे में फ्रीजर में रख दें, जब ये जम जाए तो आप जिप लॉक में डाल के फ्रीजर में डाल दीजिए। फ्रीजिंग के लिए आप ब्रेड क्रम लगाने के बाद ही फ्रीज कर सकते हैं, फिर आपको कुछ करना नहीं रहेगा ना, बस सीधा फ्रीजर से सीधा कढ़ाई में बस ये डाल देते हैं और फ्राई करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, कलर आ गया इस पर, तो हम इसे निकाल लेते हैं और फिर शॉर्ट करके दिखाते हैं। अच्छा इस टाइम पे आप इसको निकालने के बाद फौरन ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये कलर आ गया है बहुत अच्छा सा, इसे निकाल लेते हैं। इसे आप पनीर नगेट्स भी कह सकते हैं, पनीर पॉपकॉर्न के बजाय पॉपकॉर्न पे आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए तो टेस्ट में और मतलब मजायका और बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जरा सा। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने क्रंची हैं, अभी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। सो गाइस हमारा खूबसूरत क्रिस्पी, और कितना क्रिस्पी है ये आप साउंड से सुनिए, बहुत ही मजेदार पनीर पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल तैयार है, या पनीर नगेट्स। सो रेसिपी आपके पास है, जाए बनाए खाएं, एंड प्लीज कॉमेंट टू द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।